Waqf Minister Zameer Ahmed Khan and MLC Rizwan Sahab ko facilities, government se facilities bhi lena padta hai. क्या क्या होना मैं हम करेंगे ये बिल्डिंग पूरा हमारे खौम के लोगों का पैसा है इसमें हम फीस माफ करेंगे जो लोग ये कैंडिडेट को लाएगा उसको हम 5000 रुपए नकद देंगे इनाम के तौर पे कि हमारी खौम में वो दर्द नहीं क्या उन्होंने भरोसा दिया और क्या काम होना बाकी है सर इसमें एक्चुअली आप हम पूरा एजुकेशन बारे में बहुत इंटरेस्ट लेना बहुत काम करना पड़ता है इसके वास्ते ये ओबैदुल्ला स्कूल वो टाइम में IMA वाला ये बिल्डिंग बनाया बहुत 1600 स्टूडेंट्स भी था वो एपिसोड के टाइम में बहुत तो गड़बड़ होगा लैंड आर्ट प्रॉब्लम होगा वो टाइम में हमारा देन वक्फ मिनिस्टर जमीर अहमद खान एंड MLC रिजवान साहब आको ये हम वक्फ बोर्ड को लेंगे बोलकर अडॉप्ट करेंगे बोलकर वो अडॉप्ट करे आप लेना बोलकर बोलने के टाइम हम पूरा में कमिटी मेंबर्स एग्री कर को ये स्कूल के अडॉप्शन हम करें 2019 में हम बाद में पूरा ये लोन तो 1 करोड़ के ऊपर हम खर्च कर रहा है इधर हमारा इरादा इतना इधर रिजल्ट बहुत कम है बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट पेरेंट्स आई डोंट नो सो हम ये इसके बारे में हम काम करना पड़ता है एंड वी हैव टू ऑब्टेन हम फैसिलिटीज गवर्नमेंट से फैसिलिटीज भी लेना पड़ता है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सुरेश कुमार को सुरेश साहब को बुलाया मैं ऐसा ऐसा है बोलकर वो ही हैप्पीली ही केम टुडे एंड एडवाइज्ड अस एंड हम वादा करें प्रॉमिस करें हम ये स्कूल का मैं भी एक पार्ट हूँ क्या क्या होना मैं हम करेंगे अच्छा रिजल्ट के वास्ते क्या करना वो फैकल्टी वॉट एवर इट मे बी आई एम रेडी टू गिव बोलकर वो बोले सो बहुत खुश होगा इंशाल्लाह हम पूरा मिलकर आप भी हमारा मीडिया वाला भी हमारा साथ रहना इसका अच्छा इधर एजुकेशन होना ये बिल्डिंग पूरा हमारे कौम के लोगों का पैसा है इसमें उनका IMA वाला का पर्सनल पैसा नहीं सो ये पैसे का अच्छा तरफ से ये यूज़ होना हमारा कम्युनिटी को हेल्प होना कम्युनिटी स्टूडेंट फ्यूचर स्टूडेंट को अच्छा अच्छा होना बोलकर मैं ये मिनिस्ट्री को बुलाया ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा होगा सर ये कितने यहाँ पर जो है स्टूडेंट हैं और फिर हर महीना आपके इदारे से कितना इस पर खर्च हो रहा है गवर्नमेंट के टीचर्स कितने हैं प्राइवेट टीचर्स कितने हैं और कैसे ये यहाँ पर एजुकेशन का सिस्टम है अभी देखिए हम टोटल 44 लेक्चरर्स को मैं इधर LKG से ऊपर तक सैलरी देता हूँ बाद में सिक्योरिटी बाद में हेल्पर्स स्वीपर्स बहुत टोटल हम ईयरली 1 करोड़ 10 लाख खर्च करना पड़ता है इधर गवर्नमेंट टीचर्स कितने हैं सर गवर्नमेंट टीचर भी इधर एलिमेंट्री स्कूल हाई स्कूल का पूरा है बट हमारे SLC एग्ज़ाम के टाइम में हम दूसरा टीचर को देना पड़ता है ट्यूशन क्लास करना पड़ता है वो टाइम में लास्ट टाइम भी हम पूरा अपॉइंटमेंट करें इधर टीचर को एंड वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट टू गेट द रिजल्ट आल्सो सो एलिमेंट्री स्कूल में बहुत कम है 7-8 मेंबर्स है टोटल 27 होना हम दूसरे पर हम ये अपॉइंटमेंट करें हम सैलरी देते हैं हम इस स्टैटिस्टिक्स में वही पेन हमारा वही हम इसके बारे में हम पूरा सोचना पड़ता है एक्चुअली 1600-800 तक लोग था इधर वो MEMA एपिसोड होने के टाइम 1400 होगा पूरा लोग स्टूडेंट्स इधर से निकले टीचर्स भी निकले पूरा बाद में हमारा वो देन वक्फ मिनिस्टर एंड MLC देन MLC नाउ MLA रिजवान साहब वो पूरा इंटरेस्ट लेको एटलीस्ट रिस्पॉन्सिबल लिया आपने तस्करा किया वो कोर्स शुरू हुए आपके इदारे में कितने टर्म हुआ है देखो एक तो एक कोर जो SSLC वालों के लिए है वो शुरू हो चुका है वहाँ पे और एक डिप्लोमा कोर्स है वो शुरू हो चुका है मैं बाबा साहब और बहुत से मेम्बरान टैनरी रोड में गए जगह जगह मस्जिदों में गए लोगों को रिक्वेस्ट किया भेजो 100 वैकेंसीज हैं बट बदकस्मती से 70 लोग आ रहे हैं हमने यहाँ तक कहा हम फीस माफ़ करेंगे जो लोग एक कैंडिडेट को लाएगा उसको हम 5000 रुपये नकद देंगे इनाम के तौर पे विद ऑल दैट एफर्ट्स आल्सो 70 लोग डिप्लोमा के लिए आए हैं मतलब बोलने का यह है कि हमारी कौम में वो दर्द नहीं है एजुकेशन के इस तरह अगर एजुकेशन आएगा तो अल्लाह ईमान
हमारे फराइज मिल्लत सब कुछ आएगा, इसलिए एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। एजुकेशन के अलावा कुछ नहीं है हमारे पास।